नमस्ते व्यूअर्स, तो आ गए हम फिर से एक नया वीडियो लेके। तो गाइस हमारे पास है आज यामा R15। तो इस गाड़ी का आगे का जो डिस्क ब्रेक है वो खराब हो गया, तो आज डिस्क ब्रेक के ऊपर काम करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। साथ में बने रहिए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है यामा R15 BS6 मॉडल वर्षन 3। देख सकते हैं यहाँ वर्षन 3 का बैजिंग भी है और ABS भी है, डुअल चैनल ABS। तो गाइस इस गाड़ी का जो ब्रेक है काम नहीं कर रहा है आगे का। तो देखिए यहाँ से हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, देखिए एकदम यहाँ से काम ठीक ठाक कर रहा है, देखिए ब्रेक हो रहा है यहाँ से, लेकिन चक्का जो है चक्का एकदम फ्री घूम रहा है। देखिए देख सकते हैं चक्का एकदम फ्री घूम रहा है, देखिए यहाँ पर ब्रेक प्रेस है लेकिन फिर भी चक्का एकदम फ्री घूम रहा है, नीचे से ब्रेक कोई काम नहीं कर रहा है। तो चलिए आज खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या किस क्या प्रॉब्लम है इसमें। और सबसे पहले हमको इसका जो ऊपर का मास्टर सिलेंडर का जो मेजर किट है वो खोलेंगे, खोलने के बाद देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम है या दूसरी किसी जगह पर है। तो चलिए सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो गाइस MC किट खोलने से पहले यहाँ पर एक कपड़ा देकर रखना है, क्योंकि नहीं तो ऑयल गिरेगा तो ये जो गाड़ी का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो और एक बात, ये MC किट का काम बंदे ने कुछ दिन पहले करवाया, तो उसके बाद फिर से गाड़ी का ये डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए इसको खोलते हैं, खोलो इसको। तो खोल के देखते हैं क्या काम किया हुआ है, क्या ख़राब है, तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो अरे देखिए ये क्या, देख सकते हैं यहाँ पर तो लॉक लगा रहता है, अरे तरी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक रबर का बुश रहता है और एक लॉक रहता है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली। अरे बाप, ये कैसा काम हुआ गाड़ी का। तो चलिए खोलते हैं गाइस, देखते हैं क्या हालत है। तो पिस्टन तो ऐसे ठीक ही लग रहा है, देख सकते हैं, लेकिन इसका लॉक नहीं लगाया, इसका कोई भी वॉशर कुछ भी नहीं लगाया इसको, खाली पिस्टन को बिठा दिया ऐसे। तो गाइस चलिए अब इसका मेजर किट लाते हैं, ये MC किट लाते हैं नया एकदम ओरिजिनल कंपनी का, ला के फिटिंग करके देखते हैं, शायद इसी में ही गलत प्रॉब्लम है। तो गाइस हमारे हाथ में नया MC किट आ गया, देख सकते हैं इसका प्राइस है 532 रुपया। तो गाइस ये यामा का ओरिजिनल MC किट है, तो चलिए इसको खोलते हैं। ऐसे देखिए इसमें, देखिए ये लॉक है, एक ऊपर रबर है ऊपर का, और ये दोनों ऑयल सील है। तो चलिए अभी इसको फिटिंग करते हैं, पहले ये वॉशर को दोनों को लगाते हैं पहले। तो ये दो देखिए यहाँ पर एक बड़ा है एक छोटा है, छोटा वाला आगे लगेगा, तो बहुत ही सावधानी के साथ इसको लगाना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी के साथ। चलिए ये फिटिंग हो गया, अभी जो पीछे का है वो लगाएंगे। तो किसी भी नोकीला चीज़ से इसको नहीं लगाना है, नहीं तो ये रबर जो है कट जाएगा, तो रबर कटने से पूरा जो MC किट है टोटल बर्बाद हो जाएगा, तो फिर से नया MC किट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये रबर जो है खाली मिलता नहीं है। तो देखिए ये ऑयल सील भी हमारा फिटिंग हो गया, बहुत बढ़िया से फिटिंग हो गया, देख सकते हैं दोनों ही फिटिंग हो गया। तो अभी इसका ऊपर लगा गया है स्प्रिंग। तो गाइस और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये जो ग्रीज है ये देखिए, ये खाली बजाज और एनफील्ड का MC किट के साथ ही आता है, तो ये ग्रीज बहुत ही बढ़िया ग्रीज होता है, इसको यूज़ करना चाहिए। इसको हम इस पिस्टन में जो है पिस्टन में यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा लुब्रिकेंट रहेगा बढ़िया और पंप भी बढ़िया होगा, ईजी होगा। तो रेगुलर जो चक्का में देने वाला, जो बियरिंग में देने वाला ग्रीज इसमें मत यूज़ कीजिए, उससे क्या होगा ये जो रबर है ये फूल जाएगा और फिर से आपका डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम होगा। तो यही ग्रीज यूज़ करना है, अगर नहीं है तो मत कीजिए ग्रीज यूज़, लेकिन रेगुलर ग्रीज मत यूज़ कीजिए। तो चलिए हमारा पिस्टन जो है रेडी हो गया, अभी सिलेंडर में फिटिंग करते हैं इसको। अभी जो है पिस्टन को बिठाएंगे सिलेंडर में, तो देखिए एकदम इजी बैठ गया पिस्टन। तो चलिए अभी लॉक को लगाएंगे, ये देखिए एकदम से बैठ गया हमारा लॉक। देखिए अभी जो पिस्टन है देखिए इस पोजीशन में आके रुक जा रहा है, तो ऐसा ही होना चाहिए, इसका पोजीशन यही है। तो चलिए इसके ऊपर एक रबर लगेगा, ये रबर लगेगा, तो कुछ भी नहीं था, ना लॉक था ना रबर था, कुछ भी नहीं था,
चलिए, ये रबर क्यों दिया होता है, ये धूल मिट्टी नहीं जाना चाहिए, तो पिस्टन ज़्यादा दिन नहीं लास्टिंग करेगा, तो रबर देने से धूल मिट्टी नहीं जाएगा तो लास्टिंग बहुत ज़्यादा करेगा। तो अभी लीवर को लगाएंगे, ये लीवर नट को लगाएंगे, तो चलिए अभी ब्रेक प्रेस करके देखते हैं काम होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से तो प्रेशर एकदम ठीक ठाक है, तो चलिए अभी चक्का घुमा के देखेंगे। तो देखिए फिर से चक्का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ब्रेक ऊपर तो ठीक ठाक है लेकिन नीचे भी एकदम चक्का फ्री घूम रहा है। तो चलिए इसमें एयर छोड़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर पंप करके चलिए इसको एयर छोड़ते हैं पहले। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ में कोई भी एयर नहीं आ रहा है, कोई भी तेल नहीं आ रहा है। तो इसको खोल के देखेंगे एक बार, नहीं इसका भी क्लियर है लाइन। तो देखिए यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं ऊपर, देखिए यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं लेकिन नीचे कोई ऑयल नहीं है, देखिए नीचे कोई ऑयल नहीं है। तो इस पाइप से यहाँ पर ऑयल नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गया। अभी तो देखना पड़ेगा, देखिए यह चेंबर में भी ऑयल है। हाँ ये ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पंप भी काम कर रहा है ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऑयल नहीं है, देखिए कोई ऑयल नहीं आ रहा है। तो चलिए इस पाइप को खोलते हैं, कनेक्टर पाइप को। तो देखिए यहाँ पर भी कोई ऑयल नहीं है, देखिए प्रेस कर रहे हैं ऊपर, दिखाइए, देखिए ऊपर प्रेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोई ऑयल नहीं आ रहा है। तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गया। तो अभी क्या करना है हमको, अभी जो ABS का मशीन है इसको खोलना है। तो चलिए पहले सीप टैंकी खोलेंगे, ये टैंकी का नीचे ही ABS का मशीन रहता है, उसको खोलेंगे। उसको खोलने के बाद देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो पहले तो लग रहा था यहाँ का लॉक नहीं लगाया था इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है, तो अभी तो सब कुछ नया डाल दिया फिर भी काम नहीं बन रहा है। तो चलिए अभी ABS का मशीन खोलते हैं। तो गाइस हमने गाड़ी का टैंकी कर दिया ओपन, ये देख सकते हैं ABS का मोटर। तो गाइस अभी जो है अभी हमको चेक करना है, ये देखिए ये दो पीछे का है, पीछे का लाइन है और ये दो आगे का है। तो देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन ऊपर से मास्टर सिलेंडर से इधर आया है और ये गया है एकदम कैलिपर में नीचे। तो हमको पहले चेक करना है हम जो यहाँ से जो ब्रेक प्रेस कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का लाइन ठीक है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करना है, ये जब नट लूज करेंगे अगर इसमें ऑयल छिड़कता है तो लाइन ठीक है इसका। तो चलिए पहले इसको खोल कर देखते हैं प्रेस करके, देखिए इसको प्रेस करिए, अब देखिए 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 इसका जो लाइन है एकदम ठीक ठाक है, आने का लाइन एकदम ठीक ठाक है। तो अभी यहाँ से फेंक रहा है कि नहीं वो देख चेक करना है, जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ से फेंकना भी चाहिए, नहीं फेंकेगा तो नीचे जो कैलिपर में हो नहीं जाएगा ऑयल। तो चलिए अभी इसको नट को लूज करके देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी प्रेशर नहीं है तेल का। नट को खोल दो, एकदम खोल दो नट को, एकदम पूरा खोल दो नट को। तो देखिए ब्रेक हम प्रेस कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए कोई भी ऑयल का प्रेशर नहीं है। तो दिक्कत इस ABS मोटर में ही है। तो चलिए अभी देखिए, देख सकते हैं कोई भी तेल का प्रेशर नहीं है, एकदम कोई भी प्रेशर नहीं है तेल का, इसलिए कैलिपर में तेल जा नहीं रहा है और ब्रेक नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी इस मोटर को ओपन करते हैं, फुल ओपन करके देखते हैं कि इस लाइन में कोई कचरा है या क्या है। चलिए पहले मोटर को पूरा खोल के ओपन करते हैं। तो गाइस हमने पूरा जो कनेक्टर पाइप है वो सब खोल चुके हैं, तो अभी ये वाला पार्ट हमको खोलना है। ये देखिए ये आ गया हमारा ABS का पंप बाहर। तो गाइस ये है हमारा ABS का मोटर, तो ये है पीछे का लाइन, ये है पीछे का, ये इनपुट, ये है आउटपुट और ये आगे का इनपुट आउटपुट। तो पीछे का जो इनपुट आउटपुट है वो एकदम सही है और आगे वाला ये इनपुट तो ठीक आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है। तो चलिए देखते हैं एक बार, आपको दिखाते हैं। देखिए जब भी हम इस पीछे वाला इनपुट में ऑयल डालेंगे,
देखिए ये आउटपुट से धीरे धीरे ऑयल आता रहेगा। देखिए 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 ऑयल आ रहा है, मतलब इसका पीछे वाला इनपुट आउटपुट दोनों ही ठीक है। तो अभी हम आगे वाला में देखेंगे। तो देखिए इसमें जो ऑयल डाला हमने, देखिए इसका जो आउटपुट है एकदम खाली है, इसमें कोई भी तेल नहीं आ रहा है। इसका इसके अंदर दो वाल्व रहता है दोनों में, तो इसका वाल्व लॉक हो गया इसलिए काम नहीं कर रहा है, और इसका वाल्व ठीक है इसलिए पीछे वाला ब्रेक का काम कर रहा है। तो चलिए इसको अभी रिपेयर करेंगे, तो देखते हैं रिपेयर होते कि नहीं। तो इसके लिए पहले हम इसमें WD-40 देंगे। WD-40 देंगे दोनों में ही। देखिए अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ठोकेंगे। ज़्यादा ज़ोर से ठोकना नहीं है, धीरे धीरे ठोकना है इसको। तो ज़रा ठोकेंगे, तो अभी थोड़ा देर रहने देंगे इसको, फिर देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। इस लाइन में हमने WD-40 देकर छोड़ रखा था। तो चलिए अभी इसको ये जो टोटल बॉडी क्लीनर है क्लीनर से क्लीन करेंगे। तो क्लीन करके देखते हैं ठीक ठाक हुआ कि नहीं, इसका जो वाल्व है वो खुला है कि नहीं। तो अभी देखिए इसको हम इसमें लगा के उंगली देके स्प्रे करेंगे, अगर इससे ऑयल निकलता है तो हमारा वाल्व जो है वो खुल गया। देखिए देख सकते हैं गाइस, अभी देखिए यहाँ से ऑयल निकल रहा है, मतलब ये इसका लाइन वाल्व का जो लाइन था वो खुल गया, एकदम ठीक हो गया। अभी देखिए जो पीछे वाला तो ठीक ही था, इसको भी दिखाते हैं। देखिए इसको भी प्रेस करके दिखाते हैं, देखिए स्प्रे करके देखिए ये भी छिड़क रहा है, देखिए ये भी देखिए छिड़क रहा है, मतलब हमारा जो लाइन जो है वो क्लियर हो गया। तो अभी इसको इस मशीन को बढ़िया से वॉश कर लेंगे, तेल वगैरह लगा हुआ है, वॉश करके गाड़ी में फिटिंग करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं ये ब्रेक। तो गाइस हमारा ABS का मोटर जो है वो फिटिंग करना हो गया, देख सकते हैं जितना भी कनेक्शन है जितना भी लाइन है सब कुछ हमने फिटिंग कर दिया, सब पूरा नट टाइट है। और अभी दिखाएंगे और एक चीज़, कैलिपर को जितना भी नट है खोला था हमने, ये सब कुछ फिटिंग कर दिया, खाली ये जो मास्टर सिलेंडर का जो किट है इसको हम लॉक को खोल चुके हैं। तो यहाँ से लॉक खोल के जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जितना भी एयर है वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा, यहाँ से भी कुछ एयर निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से भी कुछ एयर निकल जाएगा, इससे क्या होगा काम में जल्दी होगा। तो चलिए अभी इसको प्रेस करके देखते हैं जो हमारा जो ये लाइन जाम था वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो चलिए अभी इसको पिस्टन को प्रेस करके देख लेते हैं। पहले ऐसे प्रेस करने से क्या होता है जो काम में थोड़ा आसानी हो जाता है, नहीं तो क्या होगा आप पिस्टन की यहाँ से अगर लॉक कर देंगे फिर लीवर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा बहुत टाइम लगता है। तो पिस्टन को खोल के लॉक को खोल के ऐसे प्रेस करने से तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो चलिए अभी इस नट को खोल के देखते हैं इसमें प्रेशर आया है कि नहीं। तो देखिए गाइस ये देखिए तेल निकल रहा है, देखिए तेल अभी निकल रहा है। तो गाइस यहाँ पर और एक बार चेक करेंगे, यहाँ से पंप करके नट को और एक बार चेक करेंगे। तो चलिए नट को खोल के और एक बार चेक करेंगे, तो देखिए प्रेशर एकदम ठीक ठाक है। तो चलिए अभी इसका तो काम बन गया, अभी देखेंगे जो आगे का जो कैलिपर है, आगे का जो नट से ये कैलिपर का एयर नट से तेल निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पिस्टन पंप करेंगे, पंप करते रहेंगे, तो चलिए अभी देखेंगे यहाँ से तेल निकलता है कि नहीं। तो अभी तो नहीं आया तेल, तो थोड़ा देर पंप करते रहना है इसको। चलिए अभी चेक करेंगे, देखिए तेल जो है नीचे आ गया, फिर से अभी पंप करेंगे इसको, तो अभी छोड़ेंगे एयर को। देखिए एकदम से तेल आ गया नीचे। तो चलिए अभी इसका लॉक को लगाते हैं। तो गाइस हमने मास्टर सिलेंडर पिस्टन का लॉक को भी लगा दिया और लीवर भी फिटिंग हो चुका है हमारा। तो चलिए अभी चक्का को घुमाएंगे, देखिए यहाँ तो ब्रेक एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है, चक्का घुमा के देखेंगे ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो ये चक्का घूम गया, देखिए ये देखिए
ब्रेक एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए ब्रेक प्रेस कर रहा है, चक्का एकदम जाम है, देखिए अभी चक्का एकदम जाम है। तो चलिए फिर से घुमाएंगे, देखिए ये देखिए। तो हमारा ब्रेक जो है एकदम ठीक ठाक हो गया, देख सकते हैं आप लोग एकदम काम कर रहा है। तो गाइज आप लोगों ने देखा इस गाड़ी का जो ब्रेक का प्रॉब्लम था वो हमने कैसे सॉल्व किया। तो अगर आपका भी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आता है, अचानक से गाड़ी का ब्रेक हार्ड हो जा रहा है, ब्रेक नहीं लग रहा है, तो एक बार ABS का मोटर खोलिए, खोल के रिपेयर कीजिए। तो रिपेयर करने से आपका गाड़ी का जो ब्रेक है एकदम ठीक हो जाएगा। तो चलिए गाइज आज के लिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।